ये देखा, ये पूरा तस्वीर, ये सभी मांझी समाज के ये बच्चे हैं और इनके ही समाज से जीतन राम मांझी सांसद बने। ये लोग देखिए किस तरह से बोतल चुन रहे हैं, कचरा चुन रहे हैं और कचरा चुनकर ये पेट पालते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जीतन राम मांझी जी से कि जिस तरह से आपका बेटा जो है वो मंत्री बन रहे हैं बिहार में, आपकी समधन विधायक बन रही है, ये आपके समाज के ही बच्चे हैं, कम से कम इनको पढ़ा लिखा कर उस लायक तो बना दे जीतन राम मांझी जी की एक एक समय का पेट पाल सके। ये बच्चे छोटे छोटे बोतल चुन रहे हैं, कचरा चुनकर अपना पेट पाल रहे हैं। मलवा जीतन राम मांझी को पहने तुम पहन लिया जी? पहना दिया। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जीतन राम मांझी के पार्टी के लोग माला पहना दिया, पढ़े ले कॉपी किताब दिया हाथ में? नहीं। पढ़ना चाहते हो? हाँ। तो कहो जीतन राम मांझी को हमको कॉपी किताब दीजिए, बोलो। हमको कॉपी किताब दीजिए। ताली बजाइए इसके लिए आप लोग। क्या बात, खड़े जाइए। देखिये ये सीधी तस्वीर गया कॉलेज मतगणना केंद्र से थी। ये गरीब के बच्चे हैं, ये दलित समाज के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को जब पढ़ाइएगा ना जीतन राम मांझी तब ये लोग आपके। देखिए किस तरह से ये लोग आपस में भागदौड़ कर रहे हैं, सभी के हाथ में बोड़ी है और ये बोड़ी ले जाकर ये लोग जो है कचरा बीनते हैं और तब दो वक्त की रोटी इनको नसीब होती है। जीतन राम मांझी अफसोस इस बात की नहीं कि ये लोग बोड़ा लेकर दौड़ रहे हैं, अफसोस इस बात का है कि इनके समाज का नेता, इनके समाज का मंत्री होते हुए भी इनके लिए अगर कल्याण नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये घृणा की बात है, कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। और ये आवाज हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि आज भी समाज का कल्याण हो सके। देखिए अभी हम गया लोकसभा क्षेत्र में, गया कॉलेज में है जहां से मतगणना हुई थी, जीतन राम मांझी जीत गए। ये देखिए यहां पे छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये जीतन राम मांझी के समाज से ही आते हैं। अच्छा नाम क्या हुआ बाबू? आशा देवी। शादीशुदा है? हाँ। ये महिला है, क्या नाम है आपके पति का? मुकेश मांझी। मांझी है आप? हाँ। जीतन राम मांझी जीत गए पता है ना? हाँ पता है। बहुत खुश होंगे आप? बहुत खुश। देखिए एक बात बताइए, आप अंदर आना चाह रही थी किस लिए? कबाड़ा बीनने के लिए, चुनने के लिए। हाँ। इसी को बेचकर कमाते हैं? हाँ। आपको पुलिस वाले ने रोक दिया? हाँ। क्या बोले आप? क्या बोले कि आप लोग करते हैं डिप्टी पेट के लिए, हम लोग भी करते हैं सब पेट के लिए, ऐसे बोल दिया आप? हाँ। डर नहीं लगा पुलिस वाले से? डर तो लगा था कि सोच रहे हैं कि मारेगा, तो फिर मारा तो नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोल दिए। हाँ बोल दिए। अच्छा एक बात बताइए, जीतन राम मांझी आपके समाज से आते हैं, आप लोग सभी गरीब परिवार से हैं, इस तरह से चुन कर जो है वो कचरा अपना पेट पालती है। अरे बाबू आप लोग आ जाओ, ऐसे ऐसे आ जाओ आप लोग। ये देखिए ये पूरा समाज जो है वो जीतन राम मांझी के समाज का है। क्या मांझी सब मांझी हो? सब मांझी हो। कौन ब्रांड हो? मांझी ब्रांड। मांझी ब्रांड हो। हाँ। अच्छा तुम लोग का दिल नहीं करता है कि पढ़ाई करे? ना, हम लोग कचरा चुनते हैं, नहीं पढ़ने का मन तो करता है पर गरीबी की हालत। अच्छा तो जीतन राम मांझी अब सांसद बन गए हैं इसी गया लोकसभा से, तो क्या लगता है अब आप लोग का जो है वो कहीं ना कहीं जो गरीब के ये बच्चे हैं मांझी समाज के, पढ़ाई लिखाई इनकी होगी या सब दिन कचरा ही चुनेंगे? नहीं, पढ़ाई लिखा होगा, क्योंकि आधा बच्चा लोग जाता है पढ़ने के लिए और मोटा मिलता है तो सब आ जाता है कचरा बीनने के लिए। तुम्हारा तो शादी हो गया, ये तुम्हारे भाई बहन है, क्या तुम अब चाहती हो कि शादी के बाद भी ये लोग यही करते रहे? नहीं, आगे बढ़े पढ़े, हम सोच रहे हैं अपना बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है, उसको छोड़ के आए हैं कचरा बीनने। अच्छा ये कचरा चुन रही, तुम्हारा बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या सोची हो इसके बारे में? क्या सोचे हैं, पढ़ाएंगे कैसे ना कैसे करके पढ़ाएंगे। जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे थे, आपके यहाँ गए वोट मांगने? गए तो सब तो कढ़ाई छाप में ही दिया वोट। कभी आपके यहाँ खाना खाने पानी पीने गए जीतन राम मांझी? ऐसे तो नहीं। कभी ये पूछने गए जीतन राम मांझी के बेटा तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं? नहीं गए। गए बाबू? आए थे एक बार, आए थे। क्या पूछे थे? आए थे यहाँ, इतना तो उस समय में तो घर पे नहीं थे। क्या कहेंगे जीतन राम मांझी से, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके समाज के हैं, आपके गार्जियन तुल हैं, क्या कहेंगे आप बोलिए, सुन लेंगे बोलिएगा तो। अपने बच्चों के, अपने भाई भाई बहन के लिए क्या कहना चाहेंगे जीतन राम मांझी? क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे कि सर हमारा, हम लोग के लिए पढ़ाई का व्यवस्था किया जाए। हाँ पढ़ाई का व्यवस्था तो किया जाए, पहले पूछा भी गया था तो बोला लाइकन लोग के पढ़ेंगे हम लोग। क्या मकान है घर में? मकान तो है पर मिट्टी का है। आवास योजना का पैसा नहीं मिला? नहीं। घर बनाने के सरकार पैसा नहीं? नहीं दिया। नहीं दिया आप लोग को? देखिए इधर से एक और महिला है, क्या नाम है चाची? हुँ? नाम की है अपने के? दुलारी देवी। पति के नाम? मांझी। आवास योजना का पैसा मिला? ना सर। जीतन राम मांझी के जाना हो? कॉलोनी के तो पैसे नहीं, बूढ़े हो गए, जितना जीता रही से तो पैसे नहीं सर दे रहा। तो यही चुन के सब आप लोग गुजर बसर करते हैं? बस एक पोता पोती सबके शादी कर दिया चुनिए बीच के। तो आप जैसे चुन रहे हैं, आपके पोता पोती भी वैसे चुन रहे हैं? वैसे चुन रहा है सर। इसका बाल बच्चा भी वैसे चुनेगा? वैसे चुनेगा। ये देखा ये पूरा तस्वीर, ये सभी मांझी समाज के ये बच्चे हैं और इनके ही समाज से जीतन राम मांझी सांसद बने। ये लोग देखिए किस तरह से बोतल चुन रहे हैं, कचरा चुन रहे हैं और कचरा चुनकर ये पेट पालते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जीतन राम मांझी जी से कि जिस तरह से आपका बेटा जो है वो मंत्री बन रहे हैं बिहार में,
आपकी समधन विधायक बन रही है या आपके समाज के ही बच्चे हैं, कम से कम इनको पढ़ा लिखा कर उस लायक तो बना दीजिए जीतन राम मांझी जी कि एक एक समय का पेट पाल सके। ये बच्चे छोटे छोटे बोतल चुन रहे हैं, कचरा चुनकर अपना पेट पाल रहे हैं। आप भी कचरा चुनती थी पहले? हाँ, आज भी चुन रही है। अभी भी बूढ़ी भी, आपके पोते भी चुन रहे हैं। खाने से नहीं बेची, पढ़ाते लिखाते नहीं बच्चे को, एकदम कितना खाए खिलाइए कि पढ़ाइए, सबके कपड़ा लाता। तो जीतन राम मांझी बन गए सांसद, क्या कहेंगे आप? पेंशन भी लिखाया से तो नहीं मिल रहा है, जब मिलता सब 1200 तो 400 मिलता तो उसमें नहीं मिल रहा है। देखिए इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, जीतन राम मांझी जी को दिखाइए कि इन बच्चों का विकास होना चाहिए। मांझी जी, जब तक इन बच्चों का विकास नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा, और तब तक इस ये देश भी जो आगे नहीं बढ़ेगा, विश्वगुरु नहीं बनेगा। अनाज मिलता है मुफ्त वाला? अनाज उनाज मिलता है? हाँ, अनाज खाली मिलता है। अनाज मिलता है, घर नहीं मिला आवास योजना का पैसा? गया कॉलेज के बगल में तो है सर, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला, सारे बच्चे कचरा चुनते हैं? सब चुनता, यही करके खेबे करते है। पढ़ता उड़ता कोई नहीं? इतना गोसे सब चुन ले चला, जब बोरी ने चुनता तो खाता है। चलिए आप लोग अब जाइए, देखिए ये लोग बच्चे हैं, देखिए माला पहन लिया है कि हमर जो है चाचा विधायक बन गए ना। हाँ, ये विधायक बन गए? जीतन मांझी सांसद बन गए? विधायक नहीं, सांसद बन गए हैं। सांसद तो मलवा जीतन राम मांझी का पहने तुम पहन लिया जी? पहना दिया। पहना दिया? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जीतन राम मांझी के पार्टी के लोग माला पहना दिया, पढ़े ले कॉपी किताब दिया हाथ में? नहीं। पढ़ना चाहते हो? हाँ। कहो जीतन राम मांझी को हमको कॉपी किताब दीजिए, बोलो। हमको कॉपी किताब दे, ताली बजाइए इसके लिए आप लोग, क्या बात, खड़े जाइए। देखिए ये सीधी तस्वीर गया कॉलेज मतगणना केंद्र से थी, ये गरीब के बच्चे हैं, ये दलित समाज के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को जब पढ़ाइएगा जीतन राम मांझी तब ये लोग आपके, देखिए किस तरह से ये लोग आपस में भागदौड़ कर रहे हैं, सभी के हाथ में बोड़ी है और ये बोड़ी ले जाकर ये लोग जो है कचरा बीनते हैं, और तब दो वक्त की रोटी इनको नसीब होती है। जीतन राम मांझी अफसोस इस बात की नहीं कि ये लोग बूढ़ा लेकर दौड़ रहे हैं, अफसोस इस बात का है कि इनके समाज का नेता, इनके समाज का मंत्री होते हुए भी इनके लिए अगर कल्याण नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये घृणा की बात है, कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है, और ये आवाज हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि आज भी समाज का कल्याण हो सके। बाकी जिनको जो कहना है कहते रहेंगे, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना लगाते रहेंगे, लेकिन हम इन गरीबों का आवाज बनकर इनका आवाज जो है वो दिखाने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। दिखाइए ना, ये छोटा छोटा बच्चा जो हाथ में बोड़ी लेकर घूम रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसके हाथ में बोड़ी ना हो? कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई को लेकर जो कॉपी कलम लेकर दौड़ रहा हो? कोई ऐसा बच्चा नहीं है, सब बोड़ा लेकर दौड़ रहा है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद।